व्हाट इज अप। आज के वीडियो में टोपी नहीं है, टोपी में मेरे डैड के ऑफिस पे भूल गया इसीलिए नहीं है, अगले वीडियो में लेके आऊंगा। एनीवे, हे गाइस, हर्ष हियर और आपका स्वागत है टेक्नोलॉब हिंदी पे। ये है आईफोन SE 2020, एप्पल का लेटेस्ट पुराना फोन। ये फोन इसेंशियली एक आईफोन 8 है, बस अंदर का माल मसाला अपग्रेड कर दिया गया है और एप्पल ने इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया है 42,500 रुपीस के लिए। अब ये चीज़ सिर्फ एप्पल जैसी कंपनी कर सकती है, एक पुराना फ़ोन लिया, उसका अंदर का माल मसाला अपग्रेड कर दिया और उसको 42,000 रुपये में बेच रहे हैं। अब अगर आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक आईफोन है। आईफोन जो वर्ड है, इस वर्ड को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इसीलिए एप्पल जैसी कंपनी ऐसा कर सकती है और ज़्यादा गाली भी नहीं पड़ेगी। हम जैसे लोग गाली देंगे पर बाकी लोग गाली नहीं देंगे। एनीवे, डिज़ाइन की बुराई हम फुल रिव्यू में करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस के बारे में, स्पेशली पबजी मोबाइल की परफॉर्मेंस इस आईफोन SE 2020 पे। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले के साथ। आईफोन SE 2020 में 4.7 इंचेस का डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले काफ़ी छोटा है, इससे पहले मैं पबजी खेल रहा था एक 9.7 इंच के आईपैड पे, तो वो 9.7 इंच के आईपैड से एक 4.7 इंच के आईफोन पे जो ट्रांजिशन था वो बहुत ही वियर ट्रांजिशन था। पहले एक दो मैच तो मैं बराबर खेल नहीं पाया, मिस फायर हो रहा था और मुझे कंट्रोल्स नहीं समझ रहे थे क्योंकि स्क्रीन बहुत ही छोटी है, पर एक दो मैच के बाद मैं कंफर्टेबल हो गया। फिर भी मैं कहूँगा कि स्क्रीन बहुत ही छोटी है, फ़ोन पास में पकड़ के खेलना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि फ़ोन के अंदर जाके खेलना पड़ेगा। कल धनंजय से भी मैं इस बारे में बात कर रहा था और उसका भी यही कहना है कि स्क्रीन काफ़ी छोटी है। अब जैसे कि मैंने कहा, एक दो मैचेस के बाद मैं कंफर्टेबल हो गया और उसके बाद जो पबजी खेलने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है बिकॉज ऑफ A13 बायोनिक चिपसेट। आईफोन SE 2020 में वो सेम चिपसेट है जो आपको आईफोन 11 एंड 11 प्रो में देखने को मिलता है। ये एप्पल का लेटेस्ट और सबसे बेस्ट प्रोसेसर है और इसकी वजह से परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। ब्रोकन वॉल के पे बॉक्स के पीछे मस्त इसी का फ्लेयर था, इस पे ये फ्लेयर को भी। ग्राफिक्स सेटिंग की बात करें तो आपको मैक्सिमम ग्राफिक्स देखने को मिलती है, जैसे कि HDR एक्सट्रीम, ये मैक्सिमम ग्राफिक्स सेटिंग है पबजी की और आपको ये आईफोन SE 2020 में देखने को मिलती है। A13 बायोनिक चिपसेट की वजह से आपको ये सेटिंग्स देखने को मिलेगी और ओवरऑल जो पबजी का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक दो मैचेस स्मूथ एक्सट्रीम पे खेली, फिर दो तीन मैचेस HDR एक्सट्रीम पे खेली, फिर वापस दो तीन मैचेस स्मूथ एक्सट्रीम पे खेली। पहले बात करते हैं स्मूथ एक्सट्रीम के बारे में। जब आप स्मूथ एक्सट्रीम पे पबजी खेलोगे इस आईफोन SE पे तो आपको 99% ऑफ द टाइम्स 60 FPS देखने को मिलेगा। यस, 99% ऑफ द टाइम्स। फ्रेम ड्रॉप्स नहीं के बराबर है, एक दो बार फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, वो भी बहुत रेयर है। अगर दो तीन स्क्वाड साथ में आ गए और लड़ रहे हैं तो भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त है और फ्रेम ड्रॉप्स इतने देखने को नहीं मिलते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस है विदाउट एनी लैग और मुझे तो बहुत मज़ा आया स्मूथ एक्सट्रीम पे पबजी खेलने के लिए। लास्ट अपने इधर यार, फ्लैंक की इधर इधर ऑन पिंग डैमेज है बहुत इस पे। ब्रोकन वॉल वॉच आउट के लिए दिखड़े तो अगर आप ये आईफोन लेते हो, मैं रेकमेंड करूंगा कि स्मूथ एक्सट्रीम पे ही खेलना क्योंकि उसमें बैटरी भी कम कंज्यूम होती है और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है।
अब आप पूछोगे HDR एक्सट्रीम का क्या, तो HDR एक्सट्रीम पे भी आपको 95% ऑफ द टाइम 60 FPS देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि HDR एक्सट्रीम पे एकदम बकवास चलता है गेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 95% टाइम्स पे आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। पर अगर हम स्मूथ एक्सट्रीम से कंपेयर करेंगे तो HDR एक्सट्रीम में थोड़े ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स है, वो भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं है, काफ़ी रेयर है, पर स्मूथ एक्सट्रीम से ज़्यादा है। रुक टेक्नो रुक साथ में जा, तो किधर है स्नेक है, चल फिर ढूंढो ढूंढो, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, वाह दे रहा हूं गिली गाड़ी बहुत डैमेज है आना, चल चल ठीक है गाड़ी आए ना खाली, एक मिनट थम गए, ये गाड़ी वाली पर है पीछे पीछे, वो नॉक को कंफर्म करो। अच्छा बट एक बात है, स्मूथ और HDR में जो विजुअल डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि HDR में डिटेल ज़्यादा है और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया है। तो HDR में गेम एकदम मस्त दिखता है और खेलने में मज़ा भी आता है। तो आप बीच में एक दो मैचेस HDR में खेल सकते हो अगर आपको वो विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब आगे चलते हुए बात करते हैं एक चीज़ के बारे में जो इतनी बढ़िया नहीं है, वो है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ एक चीज़ है जो इतनी अच्छी नहीं है इस फ़ोन पे। अगर आप ये फ़ोन फुल चार्ज करोगे तो आप 4 से 5 फुल मैचेस खेल सकते हो। टाइम के टर्म्स में बात करें तो 2.5 से 3 घंटे आप कंटिन्यूसली पबजी खेल सकते हो 100% बैटरी पे। LMG रीलोड क्या इतना पक्का है? तीन घंटे की बैटरी लाइफ इतनी इंप्रेसिव नहीं है पबजी के लिए। 16-17 हज़ार रुपये के जो फ़ोन आते हैं वो 5.5-6 घंटा पबजी खेल लेते हैं एक फुल चार्ज पे। तो बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इस फ़ोन पे पबजी खेलना है तो चार्जर लगा के ही खेलना। चलो अब बात करते हैं फ़ोन के टेम्परेचर के बारे में। मैं इस फ़ोन पे पबजी खेल रहा था और साइमल्टेनियसली स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा था और इसके बावजूद फ़ोन हीट नहीं हुआ। थोड़ा सा वार्म हुआ जो कि एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, पर हीट बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस फ़ोन की हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छी है और उसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता है। तो अगर आप 2-3 घंटों के लिए कंटिन्यूस पबजी खेलोगे फ़ोन थोड़ा सा वार्म होगा पर हीट बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी हेल्थ ही नहीं है, मैं हील कर रहा हूँ। एक नंबर टेक्नो, मैं जो नॉक बोला वो बाहर गया है बिल्डिंग के, बाहर नहीं जाते अपन। ओवरऑल मैं कहूंगा कि iPhone SE 2020 बढ़िया फ़ोन है पबजी खेलने के लिए। डिस्प्ले साइज छोटा है पर अगर आपका वो डिस्प्ले साइज चलेगा तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन्स है पबजी खेलने के लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस फ़ोन पे पबजी खेलने के लिए। तो एनीवे ये था मेरा पबजी मोबाइल गेम प्ले रिव्यू ऑफ iPhone SE 2020। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और अगर आपका कोई सजेशन है चैनल के लिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना और नीचे वो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा देना। उसको दबाए बिना इस चैनल से जाना मत प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियोज़ के लिए तो सब्सक्राइब बटन तो दबाना बनता है। That's been it. मेरा नाम है हर्ष पंजाबी और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।